खबर की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से, जहां मुकदमा दर्ज न होने पर दिव्यापुर रोड पर शव रख कर लगाया जाम। चार घंटे बाद सीओ सिटी के आश्वासन पर श्रद्धालुओं ने खोला जाम। बकेवर महवा मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में रोड के किनारे पड़ा मिला था युवक का शव। थाना क्षेत्र के गांव न्यामतपुर बिहारी से एक युवक गांव के युवक के साथ बाइक से अपने ससुराल गया था, लेकिन ससुराल नहीं पहुंचा और रात्रि में बकेवर महवा मार्ग पर संदिग्ध अवस्था में पड़ा हुआ एम्बुलेंस ड्राइवर को मिला, जिसने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां से सैफई के लिए रेफर कर दिया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई और स्वजनों ने गांव के तीन युवकों के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस पर कार्रवाई नहीं किए जाने का भी आरोप लगाकर फफुंद दिव्यापुर मार्ग पर जाम लगा दिया गया, जो चार घंटे बाद शिवों के आश्वासन पर जाम खोला गया, और जिसमें थाना क्षेत्र के गांव न्यामतपुर बिहारी निवासी 30 वर्षीय सुजान वीर सिंह पुत्र तिलक सिंह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार की सुबह गांव के ही सोनू पुत्र करण सिंह के साथ बाइक से अपनी ससुराल इटावा जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र के महेवा में मोहल्ला वस्ती में स्वजनों से कहकर के घर से निकला था, और लेकिन देर शाम तक ससुराल नहीं पहुंचा। रात्रि में संदिग्ध अवस्था में एम्बुलेंस के ड्राइवर को बकेवर महवा मार्ग पर स्थित गांव टीरी टीला के पास सर्विस रोड पर पड़ा मिला। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र महवा में भर्ती कराया तथा घायल के पास मिले मोबाइल फोन से स्वजनों को जानकारी दी। स्वजनों को जानकारी होती है अस्पताल पहुंचे और स्वजनों का रो रोकर बुरा हाल था। डॉक्टर ने सैफई अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और पुलिस ने शव को पंचायतनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद स्वजन बकेवर थाने में ले गए, जहां पर सोनू पुत्र करण, करण पुत्र पंचम गुरु, पुत्र करण निवासीगढ़ गांव न्यामतपुर बिहारी थाना फफुंद के विरुद्ध हत्या किए जाने का आरोप लगाकर तहरीर दी है। मृतक सुजान सिंह के एक लड़का आर्यन 5 वर्ष, दो लड़कियां अनु 3 वर्ष व फलक 6 वर्ष की है। रंजीत सिंह, क्या मामला हो गया? ये 14 तारीख को, एक नाम मैं बता रहा हूँ, मैं रिश्तेदार हूँ, गुरु प्रसाद और करण सिंह ने, तीनों लोगों ने ये बड़ेरा से जब हमने कल निकाला, मेरे को पता नहीं था, वहाँ घटना जब हुई वहाँ हॉस्पिटल में मालूम पड़ा सामुदायिक वार्ड में ऐसी लावार इस तरीके से, तब फोन एम्बुलेंस से फ़ोन आया, तब मेरे को जानकारी हुई वहाँ से घर से कि ये क्या नाम है, ये डले हुए मिले हैं, ठीक है, तो हॉस्पिटल में ले गया, वहाँ भी मना कर दिया, सैफई ले गया, वहाँ भी मना कर दिया, वहाँ ख़त्म हो गए। ये 16 तारीख को घटना कहाँ घटना है? टिली टिला की घटना। हाँ, मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है सुजान वीर। कहाँ के रहने वाले? ये न्यामतपुर से। अच्छा, तो पोस्टमार्टम हो गई? पोस्टमार्टम हो गया। आप लोग ये जाम आम लगाए? ये सर हम कल मैं गया था थाना अध्यक्ष, लाश लेकर के गया था थाना अध्यक्ष को, मैंने कंप्लेंट दी जाके लिखित नाम दर्ज की, FIR दर्ज करिए, तो उन्होंने मेरे को बैठ कर, लेकिन नाइट हो गई थी, हम लाश को नहीं रख सकते थे, इसलिए मेरे को संतुष्टि देकर के उन्होंने भेज दिया कि कल सुबह हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई। यहाँ शाम को कुछ धमकी, इस तरह से एक हत्या हो गई तो काफ़ी हत्याएँ भी हो सकती हैं, पूरा परिवार है, इसके लिए मैंने तुरंत यहाँ क्या नाम है थाना फफुंद में जाकर के शाम को हमने एक एप्लीकेशन पत्र दिया वहाँ पर, जब पत्र को उनको दे दिया कि हमें सूचना यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी उपलब्ध कराए जाएं जिससे कि हमें सुरक्षा प्रदान हो, हमारे रिश्तेदार हैं उनकी भी हत्या ना हो सके, हम लोगों की भी ना हो सके। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? कोई आश्वासन नहीं दिया, शाम तक अभी तक कोई पुलिस नहीं आई हुई है, इसलिए मेरे को यहाँ पर ले आना पड़ा, यहाँ सभी लोगों को एकत्रित करना पड़ा मजबूरी में, जब FIR भी नहीं की गई, कोई सुरक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई प्रावधान नहीं, बताओ छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, वो बताओ क्या करेंगे, वो सारे लोग जा रहे, क्या इसका क्या ऑप्शन होगा सर? साला दारू पीता होगा, तुम्हें कैसे पता है कि साला दारू पीता होगा? दारू तो सब पीते हैं, कहा दारू अबे आपको पिलाए दे हम आपको मार दे, तो रिपोर्ट में तो दारू ही निकलेगी, बताओ है? ये तो नहीं कहना चाहिए, आप लोग तो इंसाफ दिलाए, हम आप लोगों से आए तो इंसाफ दिलाओ ना, एप्लीकेशन क्यों नहीं लिख रहे, ये वजह बताओ पहले कि क्यों नहीं एप्लीकेशन लिखी गई, मेरे भाई की मट्टी रखी रही वहाँ, क्यों नहीं लिखी रिपोर्ट, बताओ ये कोई जवाब दे। आप प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए कि मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब पुलिस कैसे कह रही है कि दारू पीता होगा साला, इसलिए कहीं ठुक गया होगा, तो वहाँ गाड़ी मिली एक्सीडेंट को कोई सबूत है तुम्हारे पास? बताओ किसने कहा आपसे? वो कह रहे हैं पुलिस वाले ने खुद कही हमसे ये बात कि दारू पीता होगा साला, वो ये है ही नहीं यहाँ कहने वाला, ऐसा कोई बात होती है? दारू तो अब हम तुम्हें पिवा दें और मार दें, तुम कहो कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता चौधरी। आप इनकी कौन लगती हैं? बहन है। सर काफी समय से यहाँ से जाम लगा हुआ है, क्या है पूरा मामला यहाँ का? यहाँ पे ये जाम इसलिए लगा हुआ है, कल एक लड़का जो है अपने एक दोस्त और उनके दो और साथियों के साथ बकेवर थाने
अंतर्गत एक जगह पर गया हुआ था। ये कहा जा रहा है कि वो दावत खाने गए थे सभी, वहाँ पर इस लड़के की डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई वहाँ इटावा से हो गई है, अभी अपराध पंजीकृत नहीं हुआ है, उसी बात को लेकर के ये जाम लगाए हुए हैं। जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और बातचीत की जा रही है अपराध पंजीकृत के लिए करने के लिए, और इनको समझाया बुझाया जा रहा है जाम हटाने के लिए।